जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपके लिए नित्य नई जानकारी लेके आने वाला चैनल है। अच्छी जानकारी आपको मुहैया कराते हैं, आप अच्छा प्यार हमें दे रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, आप सभी का मेरी तरफ से अभिनंदन है। राधे राधे। आज का विचार, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। राधे राधे। मित्रों, आज की बात करते हैं धनु राशि के बारे में। देखिए, 4 सितंबर 2023 गुरु महाराज जो धनु राशि के स्वामी बनते हैं, बकरी अवस्था में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। कहाँ पंचम भाव में, किसके साथ बैठे हैं? राहु महाराज के साथ चांडाल योग बनाते हुए, काफ़ी समय से बैठे हैं, अप्रैल से राहु के साथ बैठे हुए गोचर कर रहे हैं पंचम भाव से, बकरी अवस्था में। तो बकरी जो ग्रह होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें ग्रहों के 6 प्रकार के जो बल हैं उनका वर्णन किया गया है। उसमें एक बल होता है चेष्टा बल, तो इस बृहस्पति को वो चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है। शनि महाराज भी पीछे बकरी हैं जून से, और बृहस्पति बकरी हो गया 4 सितंबर से। इसका जो बकरी अवस्था है ये करीब 118 दिन यानी करीब करीब 4 महीने रहने वाली है, और ये रहेगी आपके लिए 31 दिसंबर तक, 4 सितंबर से 31 दिसंबर। अब धनु राशि वालों के लिए क्या प्रभाव, ये बात जानने वाली है। देखिए, जो बकरी ग्रह होता है वो जहाँ बैठता है वहाँ का तो आपको फल देगा, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहाँ का भी फल देगा, लेकिन वो पिछले घर का भी फल आपको जरूर देगा। अब पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, यहाँ से उसकी जो दृष्टि जाएगी भाग्य के ऊपर जाती है, दूसरी दृष्टि जाती है उसके लाभ भाव के ऊपर, और जो तीसरी नौवीं दृष्टि है वो जाती है आपके स्वयं के लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर, यानी धनु राशि। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके अपनी राशि को देख रहा है, लग्न में भाग्य को देखता है, साथ में जो इनकम का सोर्सेज का भाव होता है उसको देखता है, चतुर्थ भाव उसका अपना घर है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति आपको क्या लाभ देगा और क्या आपको नुकसान करेगा। गुरु, अगर पिछले घर की बात करते हैं तो चौथा भाव गुरु का होता है, अपना भाव है, अपना घर है इसका, मीन राशि है। तो यहाँ से जब गुरु बकरी होगा तो आपके जो भौतिक सुख आप काफ़ी समय से आपको नहीं मिल पा रहे थे, वो भौतिक सुख आपको देगा, जमीन का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, और घर में भौतिक लग्जरी जो लाइफ की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको उनका सुख भी देगा। और हो सकता है कि कोई चीज़ें आप इस 4 महीने के दौरान अपने घर में खरीद के भी लाएँ, चाहे वाहन हो चाहे और भी सारी चीज़ें हों आप खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं था, तो वो भी अब आपको ठीक 4 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा, स्वास्थ्य लाभ माता जी अवश्य करेंगे। चौथा भाव जो होता है हमारे मन का भाव होता है, क्योंकि चौथा भाव प्रदर्श करता है हमारे चंद्रमा को, और चंद्रमा कारक होता है हमारे मन का। चंद्रमा के बारे में कहा है, चंद्रमा मनसो जातश्च क्यों, कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो चौथे भाव में जब बृहस्पति देखेंगे तो आपको घर का जो सुख है वो पूर्ण रूप से देंगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के आपको चतुर्थ भाव का सुख देंगे, जमीन से लाभ कराएंगे, ज़्यादा से लाभ कराएंगे, प्रॉपर्टी से लाभ कराएंगे, मकान से, वाहन से, इन सब चीज़ों से आपको लाभ देंगे। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं, बहुत बली हैं, क्योंकि ये भी बकरी अवस्था में है। तो शनि कर्म का कारक होता है और कर्म भाव को बनाने वाला शनि है, तो शनि महाराज की भी इसमें पूरी भूमिका रहेगी आपके साथ। तो शनि कर्म को बली करेगा और बृहस्पति आपके भाग्य को बलि करेगा। जब कर्म और भाग्य दोनों बलि होंगे तो आपके लिए एक अच्छे रास्ते खुलेंगे, आगे भौतिक जीवन और भावी जीवन या आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा इन दोनों का कॉम्बिनेशन धनु राशि वालों के लिए रहे। अब बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वो पंचम भाव होता है, पंचम भाव होता है संतान का, तो संतान से सुख देगा। पंचम भाव होता है बुद्धि विद्या का, आपको पढ़ाई से, लिखाई से, एजुकेशन से, हायर एजुकेशन कोई डिग्रियाँ, इससे आपको लाभ देगा। पंचम भाव होता है आपके शेयर मार्केट से, वह बृहस्पति मेष राशि में है,
तो आपको इसका भी लाभ देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। अगर प्रोफेशन आपका वो शेयर मार्केट का है, शेयर में डील करते हैं धनु राशि वाले, तो उनके लिए अच्छा समय है। ये 4 महीने गुरु की बकरी अवस्था आपको अच्छा एक रेस्पॉन्स देगी शेयर मार्केट में। छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है, बृहस्पति बैठे हैं, विद्या से लाभ देंगे आपको। आपके मन में जो एकाग्रता अब तक नहीं बन पा रही थी, क्योंकि राहु की डिग्री भी खत्म होती जा रही है, तो राहु तो निष्प्रभाव हो गया यहाँ, तो गुरु का जो प्रतिभा है वो बढ़ती जा रही है, गुरु की पावर बढ़ती जा रही है, गुरु की शुभता बढ़ती जा रही है। तो जो छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, सबके मामले में गुरु आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव ऊपर है, भाग्य के जो स्वामी हैं सूर्य देवता है, और सितंबर के शुरुआत में सूर्य और बुध दोनों की युति आपके भाग्य में बनी हुई है, तो बृहस्पति का सूर्य के ऊपर दृष्टि डालना आपके तेज को बढ़ाना, आपको समाज में मान सम्मान दिलाना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कायम करना, और समाज के लोगों द्वारा आपका अभिवादन और सम्मान करना, ये बृहस्पति की सूर्य के ऊपर दृष्टि का फल होगा। बुध साथ में बैठा है, बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, तो बुध है बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक, तो व्यापार भी आपका चमकेगा। व्यापार का जो स्वामी है, जो बुध महाराज बनते हैं, वो आपके भाग्य में बैठे हैं, तो आपके व्यापार को भी 4 चांद लगेंगे। इसके बाद बुध अपने घर में आएगा कन्या राशि में, उसके बाद मित्र के घर में जाएगा लाभ भाव में, वृश्चिक राशि में जाएगा, फिर धनु राशि में आएगा। तो बुध 3-4 महीने के अंदर ये धनु राशि तक विचरण करेगा, तो बुध आपको हर तरीके से लाभ देगा। सूर्य का भी यही रहेगा रोल कि सूर्य अभी अपने घर में बैठे हैं, इसके बाद इन्होंने कन्या राशि में जाना है, फिर थोड़ा प्रभाव देंगे आपको नीच का लाभ भाव में बैठ के, पर लाभ भाव में बैठ के ग्रह नीच का बनता नहीं, तो वहाँ भी प्रभाव शुभ रहेगा इनका। उसके बाद वृश्चिक राशि में धनु राशि में जाएंगे, और जो मंगल है आपका अभी 10th भाव में बैठा हुआ है, और 10th भाव से मंगल का प्रभाव अच्छा होते हुए फिर उसके बाद वो तुला राशि में मित्र राशि में जाएगा, उसके बाद अपनी राशि में जाएगा, फिर वो भी धनु राशि में जाएगा। तो ये सारे ग्रह गोचर करते हुए धनु राशि की तरफ जाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक अजीब तरह का आपको देखा आ जाएगा, कि अजीब तरह का आपके व्यक्तित्व में निखार है, तो बृहस्पति स्वयं आपके आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके डिजायर का भाव है, आपके मनोकामना का भाव है, तो बृहस्पति आपकी हर मनोकामना जो काफ़ी समय से धनुराशि वाले सारे साथी से परेशान रहे हैं नहीं हो पाई है, बहुत सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, मनोकामना पूर्ति नहीं हुई, परेशानी उठानी पड़ी है। साढ़े साथी का टाइम बहुत एक टिपिकल टाइम होता है, उसमें धनुराशि वालों को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं। तो यहाँ से जो धनुराशि वाले हैं, धनु लग्न वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा समय है, उनकी अपनी इच्छा पूरी होंगी, बड़ों से उसको प्यार मिलेगा, बड़े भाई का साथ मिलेगा, और ख़ास करके व्यापार में लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि व्यापार का स्वामी जो बुध है स्वयं भाग्य में बैठा हुआ है। तो ऐसा जो ग्रह है भाग्य में बैठ के अपने अपने भाग भाव में जाएगा आगे, फिर ये भी इच्छा भाव के पूर्ति भाव में जाएगा, आपके लाभ भाव में जाएगा, तो ये बुध भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो धनु राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है, ये 4 महीने का समय है, ये इनके लिए बहुत बढ़िया टाइम जाने वाला है। फिर बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर भी आ रही है, अब कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है, घर को खराब तो नहीं करेगा, वो भी पंचम भाव केंद्र में बैठ के, पंचम भाव के ये कारक भी होते हैं बृहस्पति देवता, और लाभ के भी कारक होते हैं, भाग्य के भी कारक हैं, धन भाव के भी कारक हैं। तो कुल मिलाकर के जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जो समय जाने वाला है 4 महीने का, इनका इतने ब्रिलियंट टाइम जाएगा, इनका बढ़िया टाइम जाएगा, आप ये कह सकते हैं इनका एक तरह से यू टर्न है लाइफ का, 4 महीने का। बकरी बृहस्पति ताकतवर होकर फल अच्छा देंगे, परिणाम अच्छा देंगे, पीछे का आगे का सारा फल बढ़िया होगा, इनके लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी पीछे पीछे आपने क्या भुगती, हमने कई सारे वीडियो पीछे अपलोड किए हैं, आपने सब देखा होगा, परेशानियाँ थी उनसे सब आपको निजात मिलने वाली है। ये जो आने वाला समय है आपका यू टर्न है आपकी लाइफ का, लग आपका पूरा साथ देगा, आपका बृहस्पति आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, हर तरीके से आपकी सपोर्ट करेगा, भाग्य की तरफ से, काम की तरफ से, व्यापार की तरफ से, धन की तरफ से, तो बिल्कुल भी दिक्कत धनु राशि वालों के लिए आने वाले समय में नहीं है। प्रोग्राम छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ग्रह बहुत अनुकूल है।
अब बात करते हैं किसी का जन्म के समय, अगर मानो बृहस्पति नीच का है, मकर राशि का है, या छठ में आठवें बारहवें भाव में चला गया है, तो ऐसा बृहस्पति थोड़ा शुभ प्रभाव देने में कामयाब नहीं होता है। उसके लिए उपाय बताते हैं, आपको उपाय कर लीजिए, उपाय करेंगे तो आपको कुछ लाभ हो जाएगा। पहला उपाय बताते हैं, दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, चौथा बताएंगे, किस सारे उपाय बता देते हैं। अभी ये देखते हैं हम कि आप जो हमारा चैनल देखते हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप कमेंट करिए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। दूसरी बात, जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल को शाही को इसको ऑल करें, ताकि यूट्यूब से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप हमारे प्रोग्राम को साथ साथ देख पाएं। तीसरी जरूरी बात है कि हमारा काम, हमारा जो संस्थान है, कुंडली का विश्लेषण का काम करता है। किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बच्चे को अपनी कुंडली दिखानी हो, हमारा नंबर व्हाट्सएप पर आपके सामने आ रहा है, अपनी कुंडली का डिटेल हमें भेजिए। और डिटेल के साथ साथ आपने भेजना है अपने जन्म का समय और आपने भेजना है अपने जन्म का स्थान, ये आप भेजिए। सटीक और सुंदर और सस्ता, जिसको कहते हैं चीप एंड बेस्ट, आपको उपाय हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। उपाय करिए, लाभ उठाइए। जेम स्टोन का काम हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। अगर आपको कोई भी रत्न लेना है, जेन्युइन आपको रत्न मिलेगा, वाजिब कीमत होगी, गारंटी कार्ड साथ होगा। अगर कोई गड़बड़ है, नगर पसंद नहीं आता या नगर क्वालिटी ख़राब है, आप वापस करेंगे, पैसे वापस ले सकते हैं। ये बात हमारे संस्थान की है। अब बात करते हैं हम उपाय के बारे में। देखिए, बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है गुरु का जाप, गुरु मंत्र का जाप। अब गुरु होते हैं दो तरीके के, एक तो वो जिसको आपने अपना गुरु बना रखा है, अगर वो गुरु है तो उस गुरु मंत्र की माला जपी है जो आपको मंत्र मिला हुआ है, नहीं तो आप गुरु बृहस्पति के जाप कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति के जाप में दो मंत्र हैं गुरु महाराज के, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। किसी भी मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष या तुलसी की माला पर लाभ होगा। इसके अलावा गुरु का दूसरा रूप है श्री हरि विष्णु भगवान का, और विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी भी होती है। तो आप अगर सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो आपको विष्णु की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी अवश्य मिलेगी। इसके अलावा अगर गुरु आपका नीच के प्रभाव में बैठा हुआ है कुंडली में जन्म के समय, तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुएं आपको पता है, पीले फूल हैं, पीले फल हैं, चने की दाल है, केसर है, हल्दी है, पीले वस्त्र हैं, बहुत सारी वस्तु है पीली, आप उनका दान कर सकते हैं अगर आपका बृहस्पति नीच का है। उसके अलावा अगर बृहस्पति आपका नीच का या 6-8 12 में गया हुआ नहीं है, माँ दशा अंतर दशा चल रही है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, बिना किसी को पूछे पुखराज पहन सकते हैं। और वैसे भी बृहस्पति आपका लग्नेश बनता है, राशि का स्वामी, तो पुखराज तो वैसे ही पहन सकते हैं, आजीवन पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति नीच प्रभाव में ना हो। लग्नेश भी अगर 6-8 12 में बैठा हो तो पुखराज पहन सकते हैं, पर कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपके लिए अच्छा है। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं धनु लग्न धनु राशि के बारे में, क्योंकि धनु राशि वालों के समय 4 महीने का बहुत अच्छा जाने वाला है। ज़्यादा गहराई में जाते हुए ना आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ कि 4 महीने धनु राशि धनु लग्न वालों के बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत अच्छा समय आपका। गुरु महाराज आपको पूरी कृपा बरसा के रखे। इसके साथ आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।